प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी। ये देखो दुष्ट आदमी, प्राइवेसी चाहिए इसको। अरे भाई ये रोड कब खत्म होगा? ये देखो ये भी जा रहा है भाई, तो अभी हम पानी में कूदेंगे, लेक में कूदने जैकेट करेंगे। और क्या ठंडी हो रही है, तुम आगे सरक जाओ। चलो उन्हें खेलते हैं। हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। तो आज मैं जा रहा हूँ कैंपिंग करने पावना लेक, और वो यहाँ से अप्रॉक्स 70 किलोमीटर से मेरे यहाँ से खराड़ी से। और मैंने एक दिन के लिए, हम लोगों ने मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल है पूरा 6 लोग का, तो हम लोगों ने एक दिन के लिए पूरा बुक किया है टेंट। 3 टेंट लिए हैं हम लोगों ने, क्योंकि एक टेंट में 2 ही लोगों को वो लोग अलाउ करते हैं रहने के लिए। तो हम लोगों ने 3 टेंट बुक करे हैं, और ये हम लोग का टाइम रहेगा 4 बजे से स्टार्ट रहेगा नेक्स्ट डे 11 AM तक, और क्योंकि 11 AM को हमको वो टेंट खाली करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पैकेज में, एक्चुअली ये पूरा पैकेज है जिसमें आपको फूड से लेकर इंडोर गेम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं आपको वो पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप कैंपिंग करना का आपको शौक है, और अगर आप जाने का सोच रहे हैं पावना लेक, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैं इसमें पूरी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और कैसा लगता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों मैं जो चीज़ें कैरी कर रहा हूँ वो ये, मैं एक अपना हेलमेट ले जा रहा हूँ अभी, क्योंकि हम लोग बाइक से जा रहे हैं। मैं अपने ग्लव्स ले जा रहा हूँ, ये गिम्बल वीडियो शूट करने के लिए, और एक जैकेट ले जा रहा हूँ, लेदर जैकेट, क्योंकि अभी तो वैसे गर्मी है लेकिन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा, तो इसलिए मैं एक लेदर जैकेट रख रहा हूँ। और उसके बाद में मेरे सनग्लासेस हैं, ये मेरे विजन ग्लासेस, एक टॉर्च रख रहा हूँ, पावर बैंक दोस्तों ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए। ये मेरे 2 एक्शन कैमरा, एक इकन का और एक SJ कैम का। ये मैं एक शॉर्ट्स ले जा रहा हूँ, एक यहाँ पर स्वेटशर्ट, ये मेरे USB केबल चार्ज करने के लिए, और ये मेरा माइक्रोफोन इस एक्शन कैमरा को कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए निकलते हैं। माइक टेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम माय प्लेस, मी एंड माय फ्रेंड एंड बाकी के जो दोस्त हैं वो लोग, हम लोग एक पॉइंट पे हम लोग ने डिसाइड किया है ईस्ट स्क्वायर, तो वहाँ पर बाकी के दोस्त जो हैं वो वहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ से अप्रोक्स वो मीटिंग पॉइंट हमारा 13 किलोमीटर्स है, और वो लोग भी निकल चुके हैं वहाँ से 4 लोग, तो टोटल हम लोग 6 लोग हैं। टोटल गाइस यहाँ से 70 किलोमीटर्स है पावना लेक, सो 70 किलोमीटर्स 2.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है मैप में। सो अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला तो अप्रोक्स उतना ही टाइम लगना चाहिए, बाकी अगर कुछ ट्रैफिक ज़्यादा ही ख़राब निकला तो लेट हो सकते हैं। अभी मुझे रिफ्यूल भी करवाना है गाड़ी, तो मिलते हैं आपको रिफ्यूलिंग करने के बाद। सो गाइस वी आर डन विद द रिफ्यूलिंग, हम लोगों ने रिफ्यूल करवा लिया है, फुल टैंक कराया हूँ मैं। गाइस हम लोग फाइनली मेरे फ्रेंड से मिल चुके हैं, एक फ्रेंड और आगे निकल गया है, तो उसको अभी हम लोग को चेस करना है। hey,
चल रहे, निखिल शायद आगे गया, नहीं एक्चुअली हमारे आगे। Time to do some off-roading. अरे भाई ये रोड कब खत्म होगा? 4-5 किलोमीटर हो गए हम लोग को ऐसे रास्ते से चलते हुए आ रहे हैं। 4 किलोमीटर हो गया, 28 किलोमीटर दिखा रहा था जब ये टर्न लिया था। काफी गंदा रोड है, बहुत गंदा रोड है। आई थिंक कोई ऑल्टरनेटिव रोड भी होगा। एक्चुअली मैं एक रोड पर गया था लेकिन फिर आगे निकल गया था, फिर वहां से मेरे दोस्तों ने बोला कि यहाँ से रास्ता है। एक्चुअली उन लोग को ये शॉर्टकट दिखा रहा होगा तो इसलिए जीपीएस ने इनको रीरूट किया है। अभी टाइम हो रहा है 5:08, हम लोग का वहां पर 4 बजे से है हम लोग का वहाँ बुकिंग। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि एक आध घंटा एक डेढ़ घंटा इधर उधर जरूर होगा। सो गाइस फाइनली आफ्टर 8 किलोमीटर्स हम लोग को थोड़ा अच्छा रोड मिला है। अगर आप यहाँ आते हैं तो 8 किलोमीटर्स के लिए एकदम तैयार रहिए फुल ऑफ रोडिंग के लिए। बहुत गंदा रोड है, 8 किलोमीटर के बाद में आपको ये रोड कनेक्ट मिलेगा जो कि अच्छा है। अभी भी लेकिन 42 मिनट्स दिखा रहा है 18 किलोमीटर्स कवर करने के लिए, तो हो सकता है कुछ पैच खराब रहे आगे का। ये खुशी ज्यादा देर की नहीं रहेगी मुझे लग रहा है। फाइव किलोमीटर्स और वाओ लुक एट दिस व्यू, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। कार ऑफ रोडिंग सीरियसली आ गए फाइनली। ये देखो गाड़ियां कार आई हैं तो इसका मतलब रोड दूसरा होगा, यहां से भी आ सकती है? नहीं आ सकती, यहां से पॉसिबल नहीं है यहां से।
क्या टेंट अभी नहीं 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 उधर लेंगे उधर अभी इधर एकदम अलग हो जाएंगे अपन शांति से उधर रह सकते हैं डीजे भी उधर ही है ना अरे नीचे तो चलो चलो हेलमेट लेके चलते हैं पाना है क्या नहीं वो गिरेगा ना रात में ड्यू सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट ही ऑलमोस्ट 11 टू 12 मिनट्स का हो गया है तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि हम लोग वहां तक पहुंच गए और रोड काफी खराब था 70 किलोमीटर कवर करने के लिए हम लोग को ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए थे और एक पैच 8 किलोमीटर का तो बहुत ही ज्यादा खराब था एक्चुअली हम लोगों ने एक गलत रूट ले लिया था उसके कारण हमको वो गंदे रास्ते से जाना पड़ा क्योंकि हम लोग आते टाइम उस रोड से नहीं आए थे तो काफी अच्छा रास्ता था आते टाइम का तो दोस्तों आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा इफ डू सो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सेकंड पार्ट इसका जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत मजा आने वाला है तो मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में